हेलो चचा, मैं मुन्ना जोगी हूँ। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजो ताकि मैं आपको कॉल करूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे बताओ, मैं उसका जवाब दूँगा। तो दोस्तों, ये आवाज़ जो अभी आपने सुनी, ये आवाज़ और ये मैसेज मुन्ना झिंगड़ा का है। मुन्ना झिंगड़ा आपने नाम सुना होगा, वो शख्स जिसने 15 सितंबर 2000 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में छोटा राजन के घर में जाके उस पर अटैक किया। उसमें क्या हुआ कि नहीं हुआ, आपने बहुत बार सुना, पढ़ा, देखा, मैंने भी जिक्र किया 2-3 बार अपने एपिसोड्स में। लेकिन ये आवाज़ जो आपने सुनी, हेलो चाचा मैं मुन्ना झिंगड़ा बोल रहा हूँ, ये एक मैसेज है जो मेरे व्हाट्सएप पे आया। एक कैसे, उसके बाद बहुत सारे मैसेज और आए और मेरी उस शख्स से बात हुई, कई खुलासे हुए, जो आज तक कई शंका अंदेशा थे वो दूर हुए। ये पूरा किस्सा मुन्ना झिंगड़ा हमारी चैनल बलजीत परमार फॉर यू के टच में कैसे आया, कैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, ये संक्षेप में एक छोटे से इंसिडेंट के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि 9 तारीख को मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें शरद शेट्टी और कुछ लोगों का जिक्र था और उसमें जोगेश्वरी का जिक्र आया। जोगेश्वरी इलाका जो मुंबई का इलाका है, जहाँ पे रहने वाला झिंगड़ा मुन्ना जोगी, मुन्ना झिंगड़ा, ये उस इलाके का पैदा हुआ, वहीं पे पढ़ा। उस मेरी कहानी एपिसोड के बाद 10 तारीख को मेरे यूट्यूब अकाउंट में उस एपिसोड के नीचे एक कमेंट आता है कि चाचा गुड स्टोरी। मैं इस किस्म की जो आपने आज एपिसोड किया है, इसके बारे में आपको और बहुत सारी जानकारी दे सकता हूँ। मेरा नाम मुन्ना जोगी है, तो आप अपना मुझे नंबर भेजिए, मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ। तो मैंने उसी जवाब में YouTube पे उस कमेंट के नीचे अपना WhatsApp नंबर लिख दिया और लिख दिया कि यू आर मोस्ट वेलकम, ये मेरा WhatsApp नंबर है, आप इसके ऊपर मेरे से जो बात करनी आप कर सकते हो। 11 अगस्त को, पिछले महीने आज तकरीबन 1 महीना हो गया है, 11 अगस्त को ये जो 2 लाइनें आपने सुनी, हेलो चाचा मैं मुन्ना जोगी, ये मैसेज 11 तारीख को मेरे व्हाट्सएप अकाउंट में आता है। उसके बाद मैंने जवाब दिया कि मोस्ट वेलकम, तो अब हो, मैं आशा करता हूँ आगे आपसे बातचीत होती रहेगी। उसके बाद 2-3 दिन के बाद दूसरा मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि आपने कोई सवाल मेरे से पूछना हो या कोई जानकारी आपको चाहिए हो, मैं ओरिजिनल मुन्ना झिंगड़ा हूँ जिसने बैंकॉक में जाके छोटा राजन के घर पे हमला किया था, ये उसने उस मैसेज में लिखा। तो आपको शक नहीं होना चाहिए कि मैं कोई और आदमी हूँ, तो मैं ही ओरिजिनल असली मुन्ना झिंगड़ा हूँ। मुन्ना जोगी से मुन्ना झिंगड़ा कैसे बना, ये कहानी मैं आपको सुनाऊँगा। तो वहाँ से एक मैसेजेस का आदान प्रदान शुरू हुआ। तो मैंने एक दो बार फ़ोन करने की कोशिश की, जिस नंबर से आया था उसमें नंबर नहीं आता था, कुछ समथिंग प्लस समथिंग करके 3-4 डिजिट आते थे और फिर वो गुल हो जाता था, वो नंबर रहता नहीं था यूट्यूब व्हाट्सएप पे। तो मैंने जो भी कोड था, जो भी था, मैंने उसको डायल करने की कोशिश की, उसमें 2-3 बार ये जवाब आया कि आपका मैसेज इज़ बीइंग फॉरवर्डेड, प्लीज़ वेट। तो मैंने 3-4 बार ट्राई किया और मैसेज आगे फॉरवर्ड हुआ नहीं, मेरी बात नहीं हुई। फिर मैंने मैसेज किया कि मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था टेलीफोन पे, लेकिन आपका फ़ोन लगा नहीं। तो उस आदमी का फिर मैसेज आया कि मैं शाम को आपको फ़ोन करूँगा, मैं कहीं बाहर था, मैं फ़ोन मोबाइल फ़ोन घर के बाहर लेके नहीं जाता हूँ, तो कुछ बस बच्चे आए हैं, कुछ टैक्टिकल रीजंस हैं, तो मैं आपको रात को फ़ोन करूँगा। तो लेकिन उस रात को फिर फ़ोन नहीं आया। खैर, ये करते 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 उन दिनों में कल तक जितने मैसेजेस आए
जो हुआ वो सबको मैंने, उसने अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं, अपना अंग्रेज़ी स्कूल का पढ़ा हुआ है, अंग्रेज़ी अच्छी खासी लिख लेता है, तो सब के सब मैसेजेस अंग्रेज़ी में पिछले एक महीने के अंदर डिफरेंट डेज को जो मेरे पास आए वो मैं आपको, उनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। हिंदी में अनुवाद करने के बाद मैंने एक अपने दोस्त को लेके, जो थिएटर आर्टिस्ट है, चंडीगढ़ में प्ले करता है, डायरेक्टर है, गोरकी सिंह उनका नाम है, उनको मैंने कल बुलाया और उनसे वो पूरी हिंदी की जो मैसेज जितने भी मुन्ना झगड़ा के आए थे उनको रिकॉर्ड किया। तो ये आवाज़ जो आप आज सुनोगे ये आवाज़ गोरकी सिंह की है, लेकिन जो पूरी इबारत है, जो शब्द हैं, जो अल्फाज हैं, वो सब मुन्ना जोगी के अपने हैं, उसके हाथ से लिखे हुए उनकी हिंदी ट्रांसलेशन है, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि मुझे कोई शक नहीं है कि जिस आदमी से मेरा एक महीने से वास्ता चल रहा था वो मुन्ना झगड़ा ही है और कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी 100% तस्दीक नहीं कर सकता कि ये असली मुन्ना झगड़ा है या कोई आदमी उसके नाम से मास्करेड कर रहा है। लगता तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी आजकल बहुत कुछ चलता है दुनिया में, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, कई बार कुछ ऐसे काम कर दिए जाते हैं किसी और मकसद के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मैं वो टीवी वालों की तरह ये डिस्क्लेमर नहीं दूंगा कि मुझे पता नहीं जी को मुन्ना झगड़ा है कि नहीं है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, मैं उन चक्करों में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कभी भी उस आदमी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैंने एक एपिसोड में बताया था कि मैं इस किस्म के अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की जो इंटरव्यूज़ हैं वो करने से बहुत कतराता हूँ। उसके दो कारण हैं। इंटरव्यू करने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि जो बात आप उनसे पूछना चाहते हो वो आप बराबर पूछ नहीं सकते, अगर आपने सवाल किया भी तो उसका बराबर जवाब कई बार नहीं मिलता है। तो मैं वेट करता हूँ मौके की, ओवर द मंथ्स कई बार मुझे अच्छी स्टोरीज करने में साल भी लग जाते हैं, मैं एक रابطہ कायम करके आहिस्ता आहिस्ता जो बातचीत होती है वो जो एक इनफॉर्मल तौर पे बातें होती हैं उनसे जो एक अंदर का नज़रिया और एक हकीकत जो आदमी कई बार कैमरा पे नहीं कहनी चाहता वो आपके साथ बात कर लेता है, और समय आने पर उनकी मर्ज़ी से उनको पूछ के ये बात जो है वो पब्लिक तक पहुँचाई जाती है। तो मैंने भी इस मुन्ना जोगी से, जो बाद में मुन्ना झगड़ा कैसे बना वो उसके अपने आप उसने लिख के भेजा है, वो कहानी आप सुन सकोगे थोड़ी देर के बाद, मैं वो पूरी वो जो ऑडियो है वो सुनाऊंगा आपको रिकॉर्ड की हुई। उसने बहुत सारे नए, उसने बोला मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप इसको चला सकते हो। तो मैंने उसको एक रिक्वेस्ट किया कि आपकी फ़ोटोग्राफ जो हैं वो बैंकॉक वाली चल रही हैं, जो कोर्ट में ले जाया गया, कुछ टीवी पे छोटी छोटी 10-15 सेकंड की क्लिप्स चलती थी, मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ भेजिए। बोलते मैं तो बहुत सालों से बाहर हूँ, कोई फ़ोटोग्राफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं मेरे कुछ यार दोस्त हैं आप जोगेश्वरी में, आप इस इलाके में कंटेक्ट कर लीजिए तो आपको कुछ लोग मिलेंगे जिनके पास मेरी पुरानी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से पिछला एक हफ्ता मेहनत करके, भाग दौड़ करके, उसके दोस्तों से 2-3 फ़ोटोग्राफ्स मिली, ज़्यादा तो मिली नहीं, वो फ़ोटोग्राफ्स मैंने निकाली हैं ढूंढ के, वो आपको इस वीडियो के साथ दिखाऊंगा। उनमें से एक फ़ोटोग्राफ है जो जब कॉलेज के दिनों में सब फ्रेंड लोग बैठे हैं, दोस्त लोग बैठे हैं, ग्रुप है 8-10 लोगों का। दूसरी तस्वीर है जब मुन्ना जोगी पहली बार जेल से छूट के अपने घर आता है, तो वो एक पिक्चर है। इस तरह की तो 2-3-4 पिक्चर्स हैं वो आपको दिखाने के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से एक्वायर की हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पूरी कहानी मुन्ना झगड़ा की, उसकी ज़ुबानी आप सुन सकोगे, उसकी शब्दावली, वर्ल्ड शब्द उसके, रिकॉर्डिंग हमारी। तो बहुत खुलासे हैं इसमें, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे आदत नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करने की, उसने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, पहले ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान की टीवी के इतिहास में सबसे बड़ा खुलासा, ये बातें करने का कोई मतलब नहीं है।
जो उसने कहा है आप खुद सुन सकते हो, लेकिन तीन चार बातें जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप ध्यान से सुनना वो ऑडियो जो है, उसमें सबसे बड़ी बात जो मुन्ना झगड़ा ने कही है वो ये है कि सबसे बड़ी बात जो मुन्ना झगड़ा ने कही वो ये है कि उस हमले के दौरान बैंकॉक में 5 दिन के बाद जब पूरी टीम बैंकॉक पहुंच चुकी थी कराची से या कहीं से भी आए, 5 दिन के बाद पूरा ऑपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए छोटा शकील भी बैंकॉक में हाजिर था। ये बात शायद मैंने कभी नहीं सुनी, छोटा शकील की इंटरव्यू भी सुनी है, उसने कई बातें की हैं, लेकिन मुझे नहीं याद कि ये बात पहले कहीं आई हो। ये बात 2 बार मुन्ना झगड़ा ने लिखी है अपने एक मैसेज में कि मेरे बड़े भाई, मेरे बॉस जिनको हम हाजी साहब भी कहते हैं, छोटा शकील को उनके फ्रेंड सर्कल में हाजी साहब भी कहते हैं, तो हाजी साहब और जहाँ छोटा शकील ये बैंकॉक में हाजिर थे और मेरे साथ ही रुके हुए थे। पहले मैं बैंकॉक आया और 5 दिन बाद शकील भाई भी आए और मेरे साथ रहे। किसी को भी छोटा शकील की उपस्थिति का पता नहीं चला। ये मुन्ना झगड़ा ने लिख के भेजा है कि जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहीं पे छोटा शकील हाजी साहब मेरे साथ थे और हमारा कोई इरादा छोटा राजन को मारने का नहीं था। ये बात मुझे उसने टेलीफोन पे बताई थी। ये मेरा 2 बार बात हुई है फ़ोन पे, उसके बाद मेरा नंबर नहीं लगा ना उनका नंबर आया। तो एक बात में कहा कि हम उसको वहाँ से उठा के ले के जाने वाले थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि जैसे बोल उस मुन्ना झगड़ा कहना कि जितने हथियार गोलियाँ बारूद हमारे पास था, अगर छोटा राजन को मारना होता तो बहुत आसानी से मार सकते थे। हमारा पर्पज़ उसको जिंदा पकड़ना था और लेके जाना था, और उसके लिए हमने हमारी एक बोट भी वहाँ पे थाईलैंड में बैंकॉक के नज़दीक हमने खड़ी करके रखी हुई थी कि इसको लेके जाएंगे और बोट में लेके जाएंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई या नहीं है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बात मुन्ना झगड़ा ने मुझे कही क्योंकि ये टेलीफोन पर कही थी, इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। हाँ, छोटा राजन छोटा शकील बैंकॉक में था इस हमले के दौरान और पर्सनली सुपरवाइज कर रहा था, ये बात मुन्ना झगड़ा ने मुझे लिख के भेजी है, वो आपको सुनाऊंगा। और दूसरा बड़ा एक जो खुलासा किया है कि उस कमरे में, उस घर में जहाँ पे छोटा राजन ठहरा हुआ था, वहाँ पे एक पार्टी की तैयारी की जा रही थी, उसमें इन लोगों के अलावा 4-5 लोग और भी शामिल थे, उनमें से कुछ लोग हमारे थे जो मुन्ना झगड़ा का कहना है, और वो उस घर के अंदर की एक एक खबर मेरे पास पहुँचती थी। ये मुन्ना झगड़ा का क्लेम है जो इस जो मैसेजेस मुझे किए हैं उसमें लिख के बोला हुआ है कि मेरे आदमी मुझे एक एक पल की अंदर से खबर मिलती थी। और जब मैंने फ़ोन पे पूछा कि उन आदमियों का क्या हुआ, उसका कहना है कि वो जब हमने दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो जो रोहित वर्मा ने शोर शराबा डाला, बोलता मैं हमें रोहित वर्मा को मारने का कोई इरादा नहीं था, उसने हाथों पाई किया और हमसे ज़बरदस्ती की, इसलिए उसको गोलियां मारनी पड़ी। 35-36 गोलियां मुन्ना झगड़ा का कहना है कि उसको मारी गई, और जो लोग वहाँ बैठे थे हमें मालूम था वो बेकसूर हैं, वो जो गोलियाँ अंधाधुंध चली उनमें 3-4 लोग और ज़ख्मी हुए थे, किसी के पाँव के गोली लगी, किसी के हाथ में लगी, उनको हमने भगाया वहाँ से, आप लोग भाग जाओ, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब इस बात में भी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मुन्ना झगड़ा जाने या उनके साथी जाने, तो ये दूसरा एक खुलासा इस वार्तालाप में होता है। और तीसरी बात जो बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी चलती रही है, मैंने भी 2 एपिसोड किए, बाकी चैनल वालों ने भी किए, कि उस घर में एंट्री के लिए डोर बेल किसने बजाई थी, तो मुन्ना झगड़ा ने बहुत क्लियरली कहा है और रिपीट किया है उसने इस ऑडियो में, आप सुन सकते हो, कि डोर बेल किसी अशोक शेट्टी ने नहीं बजाई,
कोई विनोद शेट्टी नहीं था, कोई अशोक शेट्टी नहीं था, ना कोई और था। डोर बेल उस घर की मैंने बजाई थी, जो मुन्ना जिगड़ा का कहना है, उसने जो बात रिपीट भी की है कि मैंने डोर बेल बजाई, दरवाज़ा खुला। और मैंने पूछा कि अगर वो दरवाज़ा नहीं खुलते तो आप क्या करते थे। मुन्ना जिगड़ा कहना है कि हमारे पास दरवाज़ा तोड़ने के औजार भी थे, हम पूरा सामान साथ में लेके गए थे, दरवाजे को कैसे तोड़ना है वो बंदोबस्त करके गए थे, उसमें हमारे पास दो रैम्बो नाइफ भी थे बड़े। उसने बोला है, मैसेज में लिख के भेजा मुझे, कि रैम्बो नाइफ भी थे, चाकू जो फिल्म में रैम्बो यूज़ करता है, मल्टीपर्पज़ नाइफ होता है वो भी थे हमारे पास, हथौड़े भी थे हमारे पास, कुछ और सामान भी था, रोप्स थी हमारे पास, था पूरा सामान लेके गए थे। और उसी सामान से हमने जब छोटा राजन उस कमरे में छुपा हुआ था बेडरूम में, तो उसमें हमने जब दरवाज़ा तोड़ा तो उसी सामान से तोड़ा था, और उसी चक्कर में उसको छोटा राजन को छिपने का मौका मिला। और तीसरी बात जो इसने कही है मुन्ना जिंगड़ा ने, कि छोटा राजन पहले खिड़की से नहीं कूदा था, जब हम दरवाज़ा तोड़ रहे थे तो घर के अंदर एक कपबोर्ड था, तो उसने भागने की कोशिश की होगी तो खिड़की खुली थी, तो वो कपबोर्ड में छिप गया था। अगर लेकिन तभी हम जल्दी में थे तो हमें वो खिड़की खुली देख के हमने सोचा कि नीचे कहीं कूद गया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि हमारे वहाँ होने तक वो एक कपबोर्ड में छिप गया था। बाद में उसने नीचे छलांग मारी और इंजर्ड हुआ, वो भी उसने मैं जो लिख के भेजा है वो आपको ऑडियो में सुनाऊँगा। तो इस किस्म की बातें मुन्ना जिगड़ा ने जो लिख के भेजी हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे मालूम है आप सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो आप सुनते हैं वो सब बातें मुन्ना जिगड़ा की ज़बानी, मुन्ना जिगड़ा की कहानी। हेलो चचा, मैं मुन्ना जोगी हूँ। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजो ताकि मैं आपको कॉल करूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे बताओ, मैं उसका जवाब दूँगा। मैं जोगेश्वरी ईस्ट से हूँ, कल शाम को मैं आपको फ़ोन करूँगा। मैं सोचता हूँ कि आप मुझे समझ सकोगे। हेलो, आप कैसे हो डियर? मैं ऑनलाइन हूँ। छोटा राजन मामले में थाईलैंड के बैंकॉक में गिरफ्तार हुआ था। मैं असली मुन्ना झिंगड़ा हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा, पर सिर्फ संदेश के ज़रिए। डियर, आपके पास कुछ बताने का है तो मुझे बोलो। सॉरी डियर, मैं बाहर था और मोबाइल साथ लेकर नहीं गया था। शाम के समय आपको फ़ोन करूंगा। धन्यवाद। आज या कल पक्का मैं आपको भेजूंगा और आपको फ़ोन भी करूंगा। हेलो डियर, हेलो डियर, आज मैं आपको फ़ोटो समेत पूरा विवरण भेजूंगा और कुछ वीडियो भी थाईलैंड के बैंकॉक शूटिंग से संबंधित। कल मैं आपको मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ तस्वीरें भेजूंगा और मेरा विवरण भी। कल शाम के समय मैं आपको फ़ोन करूंगा। मैं कुछ और जानकारी इकट्ठा करूंगा और आपको भेजूंगा। मेरे पिता पेशे से प्लम्बर ठेकेदार थे, मेरे दादा रेंजर स्तर के सेवानिवृत्त वन अधिकारी थे, मेरे पिता वन रक्षक थे पर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और मुंबई में ही सेटल हो गए। मेरी पूरी शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यम से ही हुई और मेरे आपराधिक जीवन की शुरुआत कॉलेज में बाहरी स्थानीय गैंगस्टर की हत्या से हुई। 12 फरवरी 1990 को वज़ीर की हत्या और उसके साथियों को घायल किया। कुछ समय बाद में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार हुआ। मैं अपराध की इस दुनिया से कभी बाहर नहीं आ पाया। उन्नीस सौ 1997 में मैंने मुंबई के कई हिस्सों में कई टॉप के गैंगस्टर्स को मारा। मैं गिरफ्तार दूसरे कारण से हुआ, प्रदीप शर्मा ने किया। प्रदीप शर्मा मेरे खिलाफ़ था क्योंकि मैंने उसके दोस्त कुशल राज जैन को माहिम में मारा था। 2000 में हमें छोटा राजन के बारे में सूचना मिली। जमानत के बाद मेरे बड़े भाई या बॉस
छोटा शकील ने मुझे बुलाया और मैं अपने परिवार के साथ वहीं सेटल हो गया। पहले मैं बैंकॉक आया और 5 दिन बाद शकील भाई भी आए और मेरे साथ रहे। किसी को भी छोटा शकील की उपस्थिति का पता नहीं चला। 15 सितंबर 2000 में छोटा राजन के घर पर हमला किया। पहले हमले में मैंने रोहित वर्मा को मारा। राजन भागकर बेडरूम में चला गया। मैंने उसका पीछा किया और कुछ गोलियां चलाई। मैंने सोचा कि उसने छलांग लगा दी, लेकिन वो लकड़ी के कबड़ में छिप गया। बाद में वो गटर में कूद गया। जितना लंबा समय बैंकॉक के जेल में रहा, भारतीय दूतावास और सरकार मेरे विरोध में लगी रही। उसे भारतीय दूतावास का पूरा सहयोग था। वो डरपोक गैंगस्टर है। मैंने उसे बहुत नज़दीक से कोर्टरूम में तब देखा जब वो मुझे पहचानने आया था। फिर भी ऊपर वाले की कृपा से मैं केस जीत गया। मेरा नाम है गैंगस्टर सैयद मुस्किर हुसैन। वेरी इम्पॉर्टेंट। जब 1997 में मैं थाने जेल में था, मैं अपने लड़कों को वहीं से संचालित कर रहा था और मैं ही वो शख्स हूँ जिसने जेल से गैंग को संचालित करना शुरू किया। मैं एक दर्जन हत्याओं का जिम्मेदार हूँ। मुन्ना जोगी। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए मैं झिंगड़ा नाम का इस्तेमाल करता था, क्योंकि पुलिस विभाग जोगी की तलाश में था। 1999 की शुरुआत में थाने जेल में गिरफ्तार हुआ था। मैं ही वो शख्स हूँ जो बड़े टारगेट के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए सबसे पहले जेल में 30 स्टार पिस्तौल लेकर गया। मैंने 17 जुलाई 1997 में अरुण गवली को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसको इसकी भनक लग गई। छोटा राजन ऑपरेशन के समय शकील भाई व्यक्तिगत तौर पर खुद इस ऑपरेशन को हैंडल कर रहे थे। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने राजन के घर की डोरबेल बजाई थी। राजन के घर में मुझे सभी जानकारियाँ मिली। 100% मैंने ही घंटी बजाई थी।